हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जो भी कोई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको मेरी तरफ से हैप्पी काली पूजा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मेरे यहाँ का मतलब हमारे गांव का काली पूजा का डेकोरेशन जो है उसे दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी जब मैं जाऊँगी आप लोग को भी दिखाऊँगी। और हमारे गाँव का नाम है तारापुर मणिपुरी बस्ती। तो आज अक्टूबर डेट 30 है, तो आज मतलब माता का मूर्ति जो लेके आ चुके हैं यहाँ पर। और कल से तो पूजा स्टार्ट होगा, तो कल से तो म्यूज़िक स्टार्ट होगा, गाना वाना चलेगा, पटाखे चलेंगे। और मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, इसलिए कल जो मैं जाके वीडियो बनाऊंगी उतनी हिम्मत मुझ में है नहीं, क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। और ऊपर से कल से तो गाना वाना चलेगा और गाना के बीच में वीडियो लेना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाना मतलब साउंड इतना ज़ोर से बजेगा कि मेरा वॉइस आप लोग को कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ, ठीक है, तो अभी माता का मूर्ति भी आ चुका है, तो आज मैं जाकर आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो अगर कोई भी मेरे वीडियो को देखने के बाद हमारे यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आएंगे तो प्लीज़ मुझसे भी मिल के जाना। और मैं अपने यहाँ पे साइट पे अपना फेसबुक का आईडी और इंस्टाग्राम का आईडी दोनों ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं भी आपसे मिलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कोई तो है जो मेरे वीडियो को देख कर यहाँ पर आया और मतलब मुझसे मिलके गया। बहुत खुशी होगी अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो मुझे मैसेज करना, मैं भी आपसे मिलना चाहूँगी और आप भी मुझसे मिलके जाना। मतलब मेरा घर के सामने पे ही है जो पूजा है, तो मैं अभी निकलने वाली हूँ, तो निकल के आप लोग को दिखाती हूँ। और हो सके तो प्लीज़ आना, क्योंकि पूजा है, सब तो वैसे भी घूमने वाले हैं और मतलब दूर वाले तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे सिलचर के एरिया के जो भी है आसपास पे, मतलब हमारे तारापुर मणिपुरी बस्ती के आसपास के एरिया में जो भी रहते हैं, प्लीज़ आइएगा, माता के दर्शन कीजिएगा और हमारे यहाँ का डेकोरेशन देख के जाइएगा और मुझसे मिल के ज़रूर जाइएगा। तो फिर चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी निकल चुकी हूँ हम लोग का गली पे, दिखाती हूँ आप लोग को भी। तो ये है हमारा गली का नाम, भाग्य सिन्हा लेन मणिपुरी बस्ती तारापुर। और यहीं पे हम लोग का गली है, ये गली मेरा गली है। और ये रहा काली माँ का पैंडल, जो अभी भर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर ये देखो, रास्ते पे तो वैसे डेकोरेशन हो चुका है फिलहाल, अभी ये हो रहा है। तो अभी मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ है, चल रहा है वैसे अभी, फिर भी मैं आपको जितना बना है उतना दिखाने की कोशिश करूँगी। और ये साइट होगा, पता नहीं यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर पता नहीं क्या करते थे, भूल गई मैं भी, क्योंकि साल हो गया है ना। तो यहाँ पे भी फूल वूल लेके आ चुके हैं, यहाँ पे शायद डेकोरेशन होगा। तो ये रहा पेंडल, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जितने भी फ़ोटो हैं वो सब शायद माँ के ही फ़ोटो हैं, और कुछ ऐसे पिक्चर्स भी हैं यहाँ पर जो देख कर दिल को छू जाते हैं। देखिए आप लोग, देखिए वैसे ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, चल रहा है। देखो एक भैया ऊपर भी हैं जो अभी डेकोरेशन कर रहे हैं। तो तारापुर मणिपुरी बस्ती के, ये पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक इसके पास से हो रहा है पूजा अगर आप लोग आओगे तो। और इसी के ऑपोजिट पे भाग्य सिंह लेन है जो मेरा गली है। तो ये रहा, और यहाँ पर हर साल की तरह इस जगह पर हमेशा मतलब जो भी कोई आते हैं तो यहाँ पर फ़ोटो वोटो क्लिक करते हैं ना, तो उनके लिए हमेशा यहाँ पर डेकोरेशन होता है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हाँ वीडियो का थोक लेंगे।
तो इस जगह पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी डेकोरेशन होगा, जो भी कोई आएगा यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक कराएगा इस जगह पर। तो चलो अंदर चलते हैं अभी पेंडल के। इतना गाड़ी आ रहा है, तो ये रहा। तो ये रहा अंदर का व्यू, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर झूमर उमर लगा दिया है सब कुछ। ये रहा, यहाँ पे मतलब लाइट भी लगाया है, कल शायद पूरा हो जाएगा तब बहुत सुंदर लगेगा, अभी तो इनकम्प्लीट है इसलिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आएगा हम लोग का माँ, पता नहीं आ गया तो बोल रहे हैं लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं शायद। ये मैं यहाँ पर हूँ अभी, माता का मूर्ति अभी तक पहुँचा नहीं है, जब आएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स वो लोग अभी मतलब साल छपरा जो होता है ना, एक पता नहीं कहाँ पर है, मैंने भी सुना है लेकिन कभी गई नहीं। तो मतलब इधर पे आसपास पे मैंने पूछा तो बोल रहे हैं कि साल छपरा क्रॉस करके आ चुके हैं। तो मतलब कितना टाइम लगेगा उतना नहीं कह सकती, 10-15 मिनट शायद और लगेगा माँ को यहाँ तक पहुँचने में। तो मैं यहीं पर वेट कर लेती हूँ, जब आएँगे तो आप लोग को श्योर दिखाऊँगी, आप लोग भी बने रहना। फ्रेंड्स मैं अभी हम लोग के गली के यहाँ पे बैठ के मतलब माता का आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने तो सोचा था मतलब आज गाना वाना नहीं चलेगा इसलिए मैं वीडियो बना लूँगी, और कल से तो गाना वाना चलेगा तो ये सोच के मैं निकली थी, लेकिन गाना तो आज से ही शुरू हो गया। देखो अभी भी कितना साउंड आ रहा है, मेरे पास वो क्या बोलते हैं माइक नहीं है ना, अगर माइक होता तो मैं मतलब बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ, लेकिन शायद आप लोग को मेरा आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रहा होगा क्योंकि माइक नहीं है और इधर का साउंड जो ज़्यादा है ना, इसलिए। तो मतलब बोल रहे हैं कि अभी सिरकुना क्रॉस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही हूँ, आप लोग भी वेट कीजिए थोड़ा टाइम। কোন দিন রবিবারে থাকবো, পূজার পরে যাইব গিয়ে আবার। जय जय जय।
तो फ्रेंड्स, माँ को तो अपने जगह पे बिठा दिया है, लेकिन अभी थोड़ा और बाकी है, क्योंकि माता के हाथ पे बहुत कुछ होता है जो अभी तक इनके हाथ खाली है, तो वो सब डालेंगे। जैसे होता है ना, माँ दाव पकड़ती है, क्या क्या होता है ना, वो सब डालेंगे और उसके बाद होगा पूरा माँ का लुक कंप्लीट। और ये वाला है फ़ोटो क्लिक करने का जगह। जब मैं फर्स्ट निकली थी तब ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी थोड़ा बहुत हो चुका है। लाइटिंग बाकी है और यहाँ पे आई लव मणिपुरी बस्ती बोल के लिखा हुआ है, तो बस्ती में ए बाकी है, ए नहीं मिल रहा है, तो मिलने के बाद यहाँ पर लगा देंगे। और ये है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई गेस्ट आने वाला है इसलिए। तो ऐसे करके आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, तो नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं फिर से, तब माँ पूरी कंप्लीट हो जाएगी।